बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों फाइनली जाके डॉक्टर जी, हाँ जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जी मूवी मैंने देखा दोस्तों। ऐसे तो सुबह में मैंने देखा था कांतारा, लेकिन जैसे ही मैंने कांतारा देख के निकला उसके बाद टाइम मिला तो मैंने देखा दोस्तों डॉक्टर जी आयुष्मान खुराना। अगर इस मूवी का रिव्यू करूँ ना, वन वर्ड, मास्टर पीस, गुड मैसेज, सोशल मैसेज बोल सकते हैं। अगर कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी का तड़का भरपूर दिया गया है इसमें ना, डबल मीनिंग। जी हाँ दोस्तों, डबल मीनिंग डायलॉग जो होता है ना, जिस तरीके से आपने देखा होगा ग्रैंड मस्ती, किस तरीके से उसमें डबल मीनिंग था, उसी टाइप का इसमें डायलॉग्स है। लेकिन ग्रैंड मस्ती जब आई थी ना, क्या मस्ती हुई थी थिएटर में, पब्लिक भर भर के आई थी। लेकिन यहाँ पर पब्लिक नहीं आ रही है, तो मैं पब्लिक से यही बोलता हूँ कि प्लीज़ इस मूवी को देखो। आपने विक्की डोनर से इसको कंपेयर कर रहे हो, देखो विक्की डोनर एक अलग जनरल की मूवी थी, ये एक अलग जनरल की मूवी है। दोनों मूवी में डिफरेंट बहुत है। ये एक ऐसा मैसेज देती है जो ये है ना, ये हड्डी के डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन को होता ना सीट वगैरह ना मिलने की वजह से ये बन जाते हैं जो डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी औरतों की, उस टाइप के डॉक्टर बन जाते हैं। देखो मैं वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो वो जगह जो है ना चेंज करना पड़ा मजबूरी में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे करते हैं। तो गाइज अब बातें करेंगे हम रकुल प्रीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, देखो रकुल प्रीत सिंह का ना आजकल लॉटरी लग गई है, हर महीने वो थिएटर में आती है। देखो अभी OTT पे भी आ गए वो कठपुतली अक्षय कुमार की, उससे पहले उनके एक और फिल्म आई और इस महीने में एंड में फिर आने वाली है 25 अक्टूबर को, देख लो, थैंक गॉड अजय देवगन के साथ। बट हम बात करेंगे अब डॉक्टर जी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी मूवी है, लोग इसका मिक्स रिव्यू आ रहे हैं, बट मैं एक वर्ड बोलूँगा इस मूवी के लिए, आयुष्मान खुराना की आप जब भी मूवी देखोगे ना, एक सोशल मैसेज होती है। जैसे बाला, फिर एक और आई थी उनकी मूवी, याद नहीं आ रहा मेरे को, सुमंगल ज्यादा सोदान शायद, हाँ सुमंगल ज्यादा सोदान, सुमंगल सोदान, ये सब फिल्म उनकी ना एक सोशल मैसेज देती है, ऑडियंस को कुछ सिखाती है। तो डॉक्टर जी भी ना आपको कुछ सिखाएगी। देखो ये नहीं है कि आप फैमिली ऑडियंस के साथ ये मूवी नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं है, इतना भी वल्गर टाइप के नहीं है मूवी कि आप फैमिली को लेकर नहीं आ सकते हो, आ सकते हो, देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वन वॉच टाइम है ये मूवी, एक बार आप जरूर देखो इस मूवी को तो समझ में आएगा कि क्या है। वो बोलते हैं ना फनी फनी कॉमेडी, उस टाइप की इस मूवी को बनाया गया दोस्तों। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बीच बीच में मूवी स्लो होती है बट फिर पकड़ लेती है मूवी को। फर्स्ट ऑफ फुल इंटरटेनमेंट, फुल कॉमेडी है, और मूवी जब सीरियस जो प्लॉट होती है ना, सीरियस प्लॉट, वो सेकेंड हाफ में थोड़ी बनती है दोस्तों। क्लाइमैक्स, ओहो क्लाइमैक्स तो मैं रिवील करूंगा ही नहीं, आपको तो थिएटर आना पड़ेगा क्लाइमैक्स देखने के लिए, ये रियली बता रहा हूँ। क्लाइमैक्स इतनी शानदार बनाई है ना, लास्ट का 10 मिनट ना आप पागल हो जाओगे क्लाइमैक्स देख के दोस्तों, मज़ा आ गया, फुल पैसा वसूल। जिस तरीके से मेरे को कांतारा देखने के बाद पैसा वसूल हुआ ना सुबह सुबह, उसी तरीके से डॉक्टर जी का भी पैसा वसूल हो गया। देखो आज 10-10 फिल्में रिलीज हुई है, अभी इम्पॉसिबल है कि मैं 10-10 देखूँ, दो देख लिया बहुत है, तीसरा देखूंगा, बट अभी बारिश हो रही है, देखते हैं टाइम रहा थर्ड मूवी भी देख लेंगे। कोर्ट तिरंगा है, फिर मोदी जी की बेटी है, बहुत सारी फिल्में हैं यार, जब मैं पैसा भी होना चाहिए ना, अभी आप लोग तो पैसा दोगे नहीं, खुद का पैसा से देखना पड़ेगा। बट मैं आपको यही डिसीजन देता हूँ कि आप देखो डॉक्टर जी, आपको फुल कॉमेडी फुल इंटरटेनमेंट वाली ये मूवी है। और सबसे बड़ी बात, आयुष्मान खुराना क्या हैंडसम दिख रहा बंदा यार, सुपर। रकुल प्रीत हॉट दिख रही है, सेक्सी दिख रही है, रियली सुपर, डायरेक्शन भी अच्छी है। तो बस भाई इतना ही, अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो दोस्तों इस मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 3 स्टार, बाकी का 2 स्टार इसलिए काट रहा हूँ कि मूवी छोटी है, लेकिन वो जो बोलते हैं ना बीच बीच में कहीं कहीं स्लो हो जाती है, और बेटर बना सकते थे सेकेंड हाफ को, फर्स्ट हाफ तो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, सेकेंड हाफ को और बेटर बना सकते थे, बट ओके ओके आप देख सकते हो 3 स्टार। तो बस भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय महाराष्ट्र।